मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो में सभी तथ्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी द्वारा लिए गए हैं। यदि कोई जानकारी गलत है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। रामनाथ गोयनका एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र प्रकाशक और इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक थे, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली मीडिया समूहों में से एक है। यहाँ कुछ प्रमुख तथ्यों के साथ उनकी जीवन कहानी दी गई है। तथ्य नंबर एक, रामनाथ गोयनका का जन्म 3 अप्रैल 1904 को दरभंगा, बिहार, भारत में हुआ था। तथ्य नंबर दो, वह मारवाड़ी व्यापारिक समुदाय की पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते थे। तथ्य नंबर तीन, गोयनका ने अपने करियर की शुरुआत एक कपड़ा और झूठ व्यापारी के रूप में की थी, लेकिन बाद में उन्होंने समाचार पत्र उद्योग में कदम रखा। तथ्य नंबर चार, उन्होंने 1930 और 1940 के दशक में इंडियन एक्सप्रेस सहित कई समाचार पत्रों का अधिग्रहण किया। तथ्य नंबर पांच, रामनाथ गोयनका को इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। तथ्य नंबर छह, उनके नेतृत्व में इंडियन एक्सप्रेस अपनी निडर पत्रकारिता और स्वतंत्र भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाने लगा। तथ्य नंबर सात, अखबार ने आपातकाल 1975 से 1977 सहित भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके दौरान इसे सेंसरशिप और सरकारी दबाव का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के लिए समर्थन। तथ्य नंबर आठ, गोयनका लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के कट्टर रक्षक थे। उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सरकारी सेंसरशिप और सत्तावाद का विरोध किया। तथ्य नंबर नौ, उनका प्रसिद्ध उद्धरण, कोई भी मानवीय शक्ति सच्चाई को दबा नहीं सकती, पत्रकारिता की अखंडता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पुरस्कार और मान्यता। तथ्य नंबर दस, रामनाथ गोयनका को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें 1985 में सार्वजनिक सेवा के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी शामिल है। तथ्य नंबर 11, गोयनका अपने मजबूत व्यक्तित्व और अपने समाचार पत्रों के माध्यम से शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों और निहित स्वार्थों से मुकाबला करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। तथ्य नंबर 12, वह एक परोपकारी व्यक्ति थे और उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में योगदान दिया। तथ्य नंबर 13, रामनाथ गोयनका का 5 अक्टूबर 1991 को निधन हो गया, लेकिन एक निडर और प्रभावशाली मीडिया दिग्गज के रूप में उनकी विरासत और पत्रकारिता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भारत और उसके बाहर पत्रकारों और मीडिया संगठनों को प्रेरित करती रहती है। रामनाथ गोयनका का जीवन और कार्य एक लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र और स्वतंत्र प्रेस की भूमिका का उदाहरण है। वह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हुए हैं और उन्हें स्वतंत्र भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए याद किया जाता है। ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।